नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी जीके गाइड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि टॉप 300 करेंट अफेयर्स ऑफ 2017 का पार्ट टू है। तो अब पार्ट वन जिस तरह से आप लोगों ने लाइक किया, मुझे उम्मीद है ये पार्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही साथ हम उन सवालों के जवाब भी बताएंगे जो आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछ रखा था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है और यह 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था और बच्चों को होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे टिटनेस, खसरा, पोलियो इत्यादि से बचाने के लिए बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है, उसी से संबंधित है इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सौर ब्रीफ केस का शुरुआत किया? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 8 अक्टूबर 2017 को सौर ब्रीफ केस की शुरुआत की और यह जो है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, बिजली उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भावांतर भुगतान योजना किस राज्य के द्वारा चालू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भावांतर भुगतान योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा चालू की गई है और इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा बाजार में अनाज के विक्रय दरों को लागत मूल्य से नीचे गिरने से रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप हॉकी 2017 किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 जो है भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप हॉकी 2017 का उप विजेता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। एशिया कप हॉकी 2017 का उप विजेता है मलेशिया। अब बात कर लेते हैं एशिया कप हॉकी 2017 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। एशिया कप हॉकी 2017 का आयोजन जो है बांग्लादेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रणाली मोशन स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है 2017 का मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सैंडर्स को। जॉर्ज सैंडर्स को इन द बार्दो उपन्यास के लिए 2017 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया और इनको जो है अब्राहम लिंकन की 11 वर्षीय बेटे की मौत पर आधारित उपन्यास इन्होंने लिखा था जिसके लिए इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 फीफा अंडर 17 का विजेता कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 2017 फीफा अंडर 17 का विजेता कौन बना? तो इंग्लैंड और उप विजेता जो है स्पेन बना। और बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, 2017 फीफा अंडर 17 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FBI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर रेको। क्रिस्टोफर रेको FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि FBI और CIA ये दोनों जो है USA की गुप्तचर संस्थाएं हैं। CIA का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और FBI का मैंने पूर्ण रूप आपको बता दिया। आइए जान लेते हैं इसके साथ भारत की गुप्तचर संस्थाओं के नाम। तो भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दूसरा है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और तीसरा है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में देश की पहली हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा शुरू करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। बेंगलोर में देश की पहली हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा शुरू की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में विश्व की पहली सोलर पैनल सड़क बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में जो है विश्व की पहली सोलर पैनल सड़क बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस
किस राज्य की सरकार ने अपनी गड्ढा अपना रोजगार योजना शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य की सरकार ने अपना गड्ढा अपना रोजगार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये जो है रिलायंस के अध्यक्ष, रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे? आपका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू हवेल चैलेंज गेम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक वीडियो गेम है। ब्लू हेवेल चैलेंज गेम जो है एक वीडियो गेम है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि चैलेंज गेम है। इसके कारण बहुत से लोगों की जाने जा चुकी है और बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कुछ दिन पहले ब्लू हेवेल चैलेंज गेम। इसमें कुछ इस तरह का होता था कि गेम खेलते ही खेलते उस गेम का कुछ ऐसा रोल था कि वो कुछ भी आपको चैलेंज कर देता था, चाहे वो आप कि आप सुसाइड कर ले या फिर कुछ, मतलब वो हाँ आपको किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाने वाला ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने लाइन इति त्रिव मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। त्रिव मिशन इंद्रधनुष किस कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। और 2017 का महिला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने जीता और उप विजेता रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर वाणी ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। सागर वाणी ऐप जो है पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली भारतीय मेट्रो जिसने मोबाइल टिकट प्रणाली शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई पहली ऐसी भारतीय मेट्रो है जिसने मोबाइल टिकट प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपना डिजिटल शाखा कैंडी की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपना डिजिटल शाखा कैंडी की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इसमें 71 देशों ने भाग लिया राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, और इसका शुभंकर था बोरोवी नीला कवाला। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि मेजबान देश था कुल 198 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इसने 80 स्वर्ण, 59 रजत और 59 कांस्य पदक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर 136 पदकों के साथ इंग्लैंड रहा और तीसरे स्थान पर 66 पदकों के साथ भारत रहा, जिसने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक भारत ने प्राप्त किए। और राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित अगर और डिटेल जानकारी चाहिए आपको, तो हमने एक स्पेशली इसके लिए वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्जा को। फिल्म निर्जा को आईफा 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। आइए जान लेते हैं आईफा का पूर्ण रूप क्या होता है। IIFA, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। और यह जो है 14-15 जुलाई 2017 को संपन्न किया गया, और इसके होस्ट करने वाले थे करण जौहर और सैफ अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत ही ध्यान से उनको देखेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो हुआ ही था, कुछ दिन पहले वॉचमैन वगैरह का बहुत सारा, FCI का इस टाइप का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि फिल्म से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। भारत का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र बेंगलोर में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता पारित की है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड ने। झारखंड ने जो है हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की है। और आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के सीएम है रघुवर दास, और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोमालिया को। सोमालिया को जो है हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं सोमालिया के राजधानी की, तो राजधानी है हरगेसा, और यहाँ की मुद्रा है सोमालियाई शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इटली में। 2017 का G7 शिखर सम्मेलन, जो कि 43वां शिखर सम्मेलन था, इटली में संपन्न हुआ। इसके साथ ही आप जान लें कि 2018 का G7 का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबेक सिटी, कनाडा में। और कनाडा जो है यह छठी बार आयोजन करता हो गया है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको जानना जरूरी है कि 2018 का G7 शिखर सम्मेलन, जो कि 44वां शिखर सम्मेलन था, कहाँ आयोजित हुआ? तो कनाडा में, क्यूबेक सिटी कनाडा में। बात कर लेते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। और बहुत बार एक स्टैटिक जीके पूछा गया है बहुत से एग्जाम में कि कनाडा की राजधानी जो है ओटावा वो किस नदी पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी पर। आइए जान लेते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। यह जो एक एक अनौपचारिक संगठन है, इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग किस देश ने बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मेट्रो रेल को विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं, किस भारतीय मेट्रो रेल को विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक धरोहर वाला शहर कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का पहला वैश्विक धरोहर वाला शहर कौन बना? तो अहमदाबाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा हमारी बातों पर ट्रस्ट करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है हमारे कल के सवाल की। हमारा कल का पहला सवाल था कि ग्लोबल पीस अवार्ड 2017 किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी चिदानंद सरस्वती को। ग्लोबल पीस अवार्ड 2017 जो है स्वामी चिदानंद सरस्वती को दिया गया। और हमारा कल का दूसरा सवाल था कि भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2017 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे, लेकिन और भी आप लोग कमेंट्स करें, कमेंट्स करते हैं आप लोग तो अच्छा लगता है, और उस वजह से आप लोगों को क्वेश्चंस याद भी होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये फालतू क्वेश्चंस हम पूछते हैं, ये भी तो आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए हमारा आज का पहला सवाल है कि विश्व योग दिवस 2017 की थीम क्या थी? और हमारा आज का दूसरा सवाल है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017 किसे प्रदान किया गया? तो आप इन दोनों के राइट आंसर्स हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुँच जाएँ और आप हमारी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। और हमारा एक ऐप है करेंट जीके गाइड, आप उस पर हर रोज़ सुबह 8 बजे
40 प्रश्नों का टेस्ट देकर अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो आप उसको जाकर प्ले स्टोर में डाउनलोड कर ले, यदि डाउनलोड नहीं किया।